दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एकदम बढ़िया एक नया काम मिल गया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगता है काफी लोग बोल रहे हैं कि सर एक नया काम सीखने का मौका मिला और सही पूछिए तो मैं वैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो लोग सर रिपेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करते थे और वे लोग शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते थे उससे कोसों दूर थे और उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या तब आती थी जब बाजार में मंदी होता था तो वे लोग बैठ जाते थे टेंशन में आ जाते थे कई लोगों के साथ तो ऐसा मैंने देखा कि सर वो कूलर के मैन्युफैक्चरर थे और अचानक जब मौसम में करबट चेंजेस आया तो मौसम में चेंजेस आया तो उनके कूलर का सेल तुरंत रुक गया और वह परेशान हो गए क्योंकि अधिकतर लोग को एक ही चीज़ समझ में आता है एक व्यापार अगर सीख लिए तो सारा पैसा उसी में लगाते जाओ लगाते जाओ वो खतरनाक हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि फिर दूसरा कोई काम देखें हाँ भाई जो चल रहा है उसी में लगाते जाओ तो कई ऐसे भाई देखे गए थे उस समय जो बहुत चिंतित हो गए थे कि मेरा सर कूलर बिकेगा कि नहीं बिकेगा बहुत परेशान थे अचानक फिर मौसम में चेंजेस आया और इतनी हीट हुई कि उन सब का एक एक पीस कूलर बिक गया कई लोगों ने वैसी गलती की कि दोबारा कूलर में फिर घुस गए और वे लोग सर उसके बाद जो ये आंधी तूफान आया और उसके बीच में उन लोग का माल आया और अब तो फिर बरसात का मौसम लगभग लगभग अब आ चुका है आज सर पटना में भी काफ़ी अच्छा मौसम है बादल लगा हुआ है तो उनका माल फंसेगा और लंबे समय के लिए फंसेगा इस सब के पीछे सर बेसिक कारण है कि लोग एक बिजनेस को जब सीख लेते हैं उसी के पीछे सारा इन्वेस्टमेंट सारा एनर्जी खर्च कर देते हैं और वे फंस जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है और कितना भी व्यापार हो सर जम के जब बारिश होती है तो सब व्यापार ठप हो जाता है याद कीजिए वो कोरोना का काल सर सब कुछ बंद था शेयर मार्केट चल रहा था मार्केट में जो मार्च में गिरावट आई थी 25 मार्च से लेके इन चार पांच दिनों में बाजार भीषण गिरा था सर उस भीषण गिरावट में जितने भी ऑप्शन ट्रेडर थे सर उन्होंने जम के पैसा कमाया था जम के पुट साइड में धमाकेदार पैसा बना था बत्तीस हजार का बैंक निफ्टी घट के सोलह हजार पे चला गया था और जस्ट अगले महीना उसमें स्टीव रिकवरी आई थी वो लोग फिर कॉल में कमाने लगे तो ये है सर ऑप्शन ट्रेडिंग यहां पे सर कभी भी बैठने का मौका नहीं मिलता है एकदम रॉयल मार्केट कोई ट्रैवलिंग नहीं कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं बस अपने मोबाइल या लैपटॉप को खोल के नौ बजे से बैठ जाना और दिन के तीन साढ़े तीन बजे तक ये बाजार चलता है सर मौका हमेशा बाजार चार मौका तो मिनिमम देता है दो मौका कॉल के साइड और दो मौका पुट के साइड सर बहुत लोग जानते थे कि मार्केट बुल मार्केट है बेयर मार्केट है कॉल और पुट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये उन्हीं लोगों को मालूम है जो ऑप्शन के ट्रेडर हैं हम लोग क्या हैं हम लोग ऑप्शन बायर हैं और बहुत लोग ऑप्शन के सेलर होते हैं तो हम लोग जो हैं बायर हैं और बस कॉल को ऐसे ही समझिए छोटे से शब्दों में कि कॉल जो है एक हरा रंग का घोड़ा है और पुट जो है सो लाल रंग का घोड़ा है और ये दोनों बाजार में दौड़ते रहता है कभी आराम करता है कभी दौड़ता है सारे चीज़ों को इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए बहुत लोगों का प्रश्न छूट गया आज थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसलिए कि फिर क्वेश्चन ज़्यादा पेंडिंग हो जाएगा कुछ लोग हमसे प्रश्न किए थे यहाँ नाम नहीं है लिखे कि सर आज ट्रेड करना चाह था नहीं कर पा रहा हूं कॉल और पुट से स्टेटमेंट बैंक का ग्रो में अच्छा अपलोड नहीं सर जब तक खाली ग्रो में अकाउंट बनाने से अकाउंट कंप्लीट नहीं होता है अकाउंट एक बार आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड फोटो डाल दिया यानी नॉर्मल केवाईसी कर दिया तो सर वो अकाउंट खोलने की प्रक्रिया का भाग एक है भाग दो जो है सर बैंक स्टेटमेंट आपको छ महीना का अपलोड करना होता है तभी आप एफ एन ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में यानी ऑप्शन में ट्रेडिंग कर पाएंगे तो सर बहुत आसान है अपने बैंक के, के स्टेटमेंट को छः महीना का डाउनलोड करके पीडीएफ बना लीजिए और पीडीएफ को ग्रो के अकाउंट में अटैच कर लीजिए कैसे अटैच करना है ज़्यादा दिक्कत हो तो कहीं भी कोई एक वीडियो देख लीजिए कि ग्रो में कैसे बैंक स्टेटमेंट को अटैच करना है चलिए जो जो ले लेता हूँ उसको डिलीट कर देता हूँ हाँ इसके बाद एक भाई लिखे थे आपका वॉल्यूम नंबर चार देख रहा था तो उसमें आपने कॉल पच्चीस के भाव का और पुट भी पच्चीस से तीस के भाव का लिया लेकिन आपका इंडिकेटर दोनों का अलग अलग डाटा बताता है हमारा एक ही डाटा बता रहा है ऐसा क्यों आर एस को कैसे एक साथ मर्ज करें ये वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे अब इतना लंबा एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हाउ टू मर्ज आर एस आई एंड एम सी डी बस इतना ही देखिए एक दो वीडियो देखिएगा आप समझ जाइएगा सर कॉल और पुट का जो भी भाव है इंडिपेंडेंट एक खोल लीजिए कॉल का पेज एक पुट का पेज बना लीजिए हमेशा याद रखिए नीचे में खरीदना है ऊपर में बेचना है ऐसा नहीं कि कॉल को नीचे में खरीदना है ऊपर में बेचना है और पुट को ऊपर में खरीदना है नीचे की बेचना है तो ये काम मत कीजिएगा हम लोग का हमेशा एक ही पैटर्न है नीचे में खरीदना ऊपर में बेचना और आप एक बार देख लीजिए कि कैसे मर्ज करना है एक था सर मुझे कॉल एंड पुट के बारे में जानकारी चाहिए जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल में काम करना है इंडेक्स इंडेक्स की बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी और जब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो पुट में काम करना है दोनों तरफ कमाई बनते रहेगा बस बहुत आसान है आप एक काम कीजिए ना आप लोग बीच में घुस जाते हैं किसी वॉल्यूम में और चाहते हैं वहीं से सारी चीज़ें समझ में आ जाए नहीं हो पाएगा मैं बराबर बोलता हूँ अगर कोई स्टूडेंट क्लास टेंथ में घुस जाए तो सर वहाँ पे एबीसीडी की पढ़ाई नहीं होती है तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको वॉल्यूम वन से आना ही पड़ेगा सर कोई विकल्प नहीं है ये पैसे का खेल है मनी मार्केट है यहाँ ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल अगर स्क्रैप में बदल गया जंग लग गया तो सर कबाड़ी के भाव में भी पैसा निकल जाएगा सर यहाँ मट्टी हो जाएगा इसको समझिए तो इसको ज़्यादा जानकारी लर्निंग का पार्ट को मजबूत कीजिए दूसरा कोई उपाय नहीं है नो no शॉर्टकट एक भाई लिखते हैं आपसे एक नया रास्ता मिल गया बिल्कुल सर मैं ऑलवेज लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत बल देता हूँ और जब भी सर एक बिजनेस में डाउनवर्ड आता था मैं नया काम खोज लेता था मैं देख रहा था लाइव में लोगों की उपस्थिति कम हो गई मैंने एक नया रास्ता खोज दिया और स... खुद भी खोज दिया और सबके लिए रास्ता बना दिया आज काफ़ी लोग सर कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और मेरे को सूचना देते हैं तो काफ़ी खुशी होती है कल कोई भाई 1600 सौ सो कमाए हज़ार रुपया लगा के कितनी बड़ी बात है तो लोग सीख रहे हैं तो सीखने के अलावा सर कोई विकल्प नहीं है एक लिखते हैं सर जी जो इंडिकेटर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं इसके लिए भी हाउ कैसे इंडिकेटर लगाया जाए ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके वीडियो देख लीजिए अब ये सब बातें हो चुकी हैं बीच में घुसीएगा और बेसिक का सवाल कीजिएगा तो सर बेकार है इसके लिए मैं एक बार लाइव में आऊँगा देखिए इस संडे पाँच बजे अगर हुआ तो मैं बिल्कुल लाइव में आऊँगा एक लिखते हैं मैं भी आज कुछ पैसा बनाया हूँ बहुत बढ़िया एक लिखते हैं कुछ कुछ मुझे भी समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया एकदम समझिए और एक भाई लिखते हैं सर हर वीडियो को बार बार देखता हूं बहुत खुशी की बात है जब तक आप बार बार नहीं देखिएगा चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो कल का बाज़ार क्या था कल के बाज़ार के बारे में चर्चा करते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन में आके और एक बात फिर से दोहरा देता हूं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कीजिए घंटी का बटन भी दाब दीजिए आपको पुराना पुराना नोटिफिकेशन आएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक नया बिजनेस जो कि जिंदगी के अंत तक आपके साथ रहेगा आइए प्रैक्टिकल पे आते हैं चलिए अपने लैपटॉप को ऑन किया जाए ये आ गया खुलते इंडेक्स आपके सामने है देखिए कल की बात क्या थी कल अमेरिका का बाज़ार बंद था तो अमेरिका सर वहीं से हम लोग डायरेक्शन लेते हैं और काम करते हैं हम लोग को मार्ग राह दिखाने वाला बाजार सर अमेरिका का बाजार है कल वही सोया हुआ था तो क्या है ना वेन कैट इज अवे माइस विल प्ले एक कहावत है सर वही यहाँ देखने को मिला कोई वजह नहीं था कोई गिर रहा था कोई बढ़ रहा था जिसको मर्जी इधर खेल रहा था कोई गार्जियन नहीं था गार्जियन लेस मार्केट था मैं चैनल पे देख रहा था न्यूज़ चैनल पे सर बाज़ार खुलने के पहले वो लोग पूरी तैयारी कर लिए थे कि बाजार खुलेगा और नया लाइफ टाइम हाई बनेगा ये डांस होगा वो डांस होगा मैं भी सोच रहा था पता नहीं क्या होगा मेरा अपना तजुर्बा कह रहा था कि कुछ नहीं होगा कुछ भी होगा वैन कैट इज अवे माइस विल प्ले बाज़ार को जब मर्जी जिधर चला जाएगा और वही हुआ भी मारपीट मच गया कोई समझाने बुझाने वाला था नहीं मारपीट चल रहा था कस के बाजार खुला है ऊपर भले एक देखिए छोटा सा गैप अब फिर नीचे चला गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया कोई डायरेक्शन है ही नहीं डायरेक्शन लेस लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो बाजार नीचे की तरफ चला गया नीचे की तरफ का मैक्सिमम डाउन लाइन ये था लेकिन यहाँ से फिर बाजार में क्या हुआ एक यहाँ से रिकवरी देखा गया है यहाँ पे जो कि इशारा किया कि अगला दिन का बाजार जो होगा पॉजिटिव होगा इस इशारा को कैसे कन्फर्मेशन मिल रहा है वो बताते हैं इसको कन्फर्म कर दिया एफ का खरीदारी का डाटा देखिए कल इकतालीस हजार करोड़ इकतालीस चार हजार एक सौ करोड़ एफ ने बाजार में पैसा लगाया ऑप्शन में सर बाजार जब गिरता है एफ खरीदता है बाज़ार जब बढ़ता है एफ बेचता है यही तो हम लोग देखते हैं एकदम सही चीज़ है जब गिरता है भाव सस्ता हो जाता है और लोग वहाँ पर खरीदने नहीं आते हैं खरीदने का मौका कहाँ पे था बाज़ार इंडेक्स को देखिए तो ये लेवल जो था ये सबसे न्यूनतम लेवल था यहाँ पे सर कॉल खरीदने का मौका था जिन्होंने कल इस लेवल पे कॉल खरीदा था सर कल ही के ड्रेड कल ही के दिन में ट्रेड में उनको कुछ ना कुछ भाव अच्छा आ गया होगा कई लोग यहाँ पे निकल गए होंगे क्योंकि ऑप्शन को होल्ड करना बड़ा खतरनाक होता है एक भाई सर मेरे को कॉल करके बोल रहे थे सर मेरा कॉल फंस गया हम बोले कैसे फंस गए सर मैंने ए लिया था एक सौ के भाव में उसके बाद वो गिरते चला गया गिरते चला गया अस्सी हो गया पचास तक चला गया था हम बोले आप क्या कर रहे थे सर हम बैठ के देख रहे थे हिम्मत नहीं कर रहा था पैसा निकालने का तो भाई ऐसा सिचुएशन मैं भी कई दफ़ा पेपर ट्रेड में देखा तो मैं क्या करता था वो बताता हूँ अगर मैं इनके जगह रहता और एक से ऐसा नहीं कि पचास रुपया धड़ाक से आ गया होगा एक के बाद पचास आया होगा 168 के बाद 67 भी आया होगा धीरे धीरे गिरा होगा मान लीजिए कि एक गिरावट में अगर डेढ़ सौ में मैं रहता तो बेच देता और अठारह रुपया का लॉस को बुक कर लेता उसके बाद दूसरा स्टेप मैं क्या करता मैं इसका लॉस अठारह रुपये के लॉस को सर इसी से मेकअप करने की कोशिश करता अब वो कैसे करता कि अगर जब एक है ना तो फिफ्टी परसेंट गिरा होगा अस्सी रुपया वहाँ फिर वही एक लॉट ले लेता और अस्सी से फिर जब नब्बे सौ में जाता सर कोई भी चीज़ गिरता है तो बढ़ता है तो फिर उसको बेचता अब पता चलता है जो मुनाफा आया अठारह रुपये के लॉस से अगर बीस रुपये का मुनाफा आया तो ले दे के दो रुपया का प्रॉफिट आ गया फिर मैं निकल जाता फिर मैं देखता कि अरे पचास रुपया हो गया है चलो फिर एक बार खरीद लेते हैं और क्लोजिंग पे जाके अगर वो पैंसठ छियासठ हो गया फिर बेच देता तो पता चलता कि सर लॉस तो छोड़िए दस पंद्रह रुपये का मुनाफा ही आ गया मैं इस तरह कोशिश मैं पेपर ट्रेड में इस तरह से मैं करता कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करता वही आप कीजिए मैं ये करता आप अपना रास्ता देखिए आप देखिए कि आप क्या इनोवेट कर सकते हैं हर चीज़ को बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए बाज़ार पे अपने नज़रिया को कायम करें यह कंप्लीट सर साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है मार्केट में पैसा कमाना जब तक आप एक चीज को स्वीकार नहीं कर लीजिएगा वो चीज़ है बाजार की दिशा के तरफ कार्य करना बाजार ऊपर जा रहा है कॉल में काम कीजिए बाजार नीचे जा रहा है पुट में काम कीजिए ऐसा मत सोचिए कि बाजार नीचे जा रहा है और हम कॉल को होल्ड करके बैठे हुए हैं कि अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा सर यहाँ पे इमोशन लेस है बिजनेस है बिजनेस में भावना नहीं काम करता है सर कोई इमोशन नहीं ये व्यापार है व्यापार में अगर आपने भावना का समावेश कर दिया सर आपका व्यापार खत्म हो जाएगा आप किसी को बिजनेस में जब उधार देते हैं सर वो पैसा अंतोगतवा डूब जाता है क्यों आप उधार देते हैं भावना में आके उन्हें जरूर अरे वो दे देंगे भावना है ये विचार है वो दे देंगे और वो नहीं देते हैं क्या कीजिएगा यहाँ भावना नहीं भाई कम में बेचेंगे लेकिन नगद बेचेंगे कम में मुनाफा लेंगे लेकिन सर जब बाज़ार एक ऊपर में बॉटम ये टॉप बना लिया सर वहाँ से निकल जाएंगे कल हम लोग एन में क्या देखे थे चौवालीस हजार और 43500 हजार पाँच सौ का एक दायरा दिख रहा था ऑप्शन चेन में अब बाजार उसी के आसपास चल रहा था तैतालीस को व्यापार ये बाज़ार जो है सर ब्रेक नहीं किया और चौवालीस हजार को टच नहीं किया उसी रास्ते में चल दिया था 700 तक गया था तैतालीस हजार सात लेकिन चौवालीस हजार को टच नहीं किया आज का क्या माहौल है पहले आइए कल क्या क्या हुआ तहकीकात में 20 तारीख को हम लोग तहकीकात कर रहे हैं 19 तारीख के कल के सेटअप पे इंडेक्स 304 पॉइंट गिरा एफ आई करोड़ खरीदा हमने आठ सौ आठ एवरेज में इन्वेस्टमेंट किया और टोटल कमाई 947 फोर्टी हुई बहुत शॉर्ट में इसको डिटेल के लिए इसको स्टिल कीजिए देखिए मैंने चीज़ों को जड़ से पिछले कई वॉल्यूम में समझाया हुआ है इधर मैं टाइम अब ज़्यादा नहीं दूंगा एक झलक दिखा देता हूँ ये रहा मैंने कॉल का कॉल में दो अपॉर्चुनिटी आया था और पुट में पुट में भी दो अपॉर्चुनिटी था इन्हीं इन्हीं सेटअप से वो डाटा वहाँ पे निकला है एफ मैंने दिखाई दिया आपको इकतालीस सौ करोड़ की खरीदारी की डाउ जोन्स का फ्यूचर अब आज जो ये डाउ जोन्स का फ्यूचर दिखा रहा है ये इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट डाउन दिखा रहा है यानी नज़रिया अभी कायम हो जाएगा घबराइए मत नेशेक भी इकतालीस दशमलव पाँच पॉइंट नीचे की तरफ दिखा रहा है चलिए विश्व बाज़ार में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए हाँ निकई भी गिरा हुआ है एक परसेंट हांगकॉन्ग गिरा हुआ है चाइना भी गिरा हुआ है यानी एस जी निफ्टी को भी देख लेते हैं तब स्पष्ट हो जाएगा कहानी छियासठ पॉइंट एस जी एक्स निफ्टी भी गिरा हुआ है यानी शुरुआत मोटा मोटी सर बिल्कुल नीचे से गैप डाउन ओपनिंग की संभावना ज़्यादा है तुरंत बाजार में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा बाज़ार को एक बार गिर रहा है गिरने दीजिए गिरने के बाद देखिए कि बाज़ार का डायरेक्शन अब किधर है उस डायरेक्शन को पकड़ के काम कीजिए ऑप्शन चेन क्या बोलता है ऑप्शन चेन में आइए सबसे बड़ा डाटा जो है कॉल साइड में वो दो लाख बीस हजार करोड़ दो लाख बीस हज़ार हाँ दो लाख बीस हज़ार का डाटा है ये है चवालीस हज़ार ठीक है अब पुट साइड में जो बड़ा डाटा है वो एक लाख तैंतीस हज़ार तैंतालीस हज़ार हो गया वही कल ही वाला हाल है कुछ नया नहीं है तैंतालीस हज़ार पाँच सौ बॉटम यानी सपोर्ट और चवालीस हजार रसिस्टेंस इसी धारे में बाज़ार गिरेगा तो फिर चला जाएगा तैंतालीस हज़ार पाँच सौ तैंतालीस हज़ार पाँच सौ अगर ब्रेक करेगा तब तो सर ब्रेक करेगा तो तैतालीस हज़ार तक भी जा सकता है लेकिन कॉल वाले तो जाने नहीं देंगे इनका तो इनका कॉल वाले तो जाने देंगे पुट वाले जाने नहीं देंगे इनका तो हालत ख़राब हो जाएगा ये जो तैंतालीस हज़ार पाँच सौ पे बैठे हुए हैं ये तो चाहेंगे कि जितना बाज़ार ऊपर रहे उतने इनकी कमाई हो वो ओवरऑल पोजिशन क्या है सर इक्कीस लाख कॉल साइड में है यानी चौदह लाख पुट साइड में है तो मार्केट का सेंटिमेंट जो है फिर वही एक कन्फ्यूजन वाला बाज़ार है डायरेक्शन मोटा मोटी आपको जैसे जैसे डाउनेसडेक का फ्यूचर में डाटा चेंज होगा उसी हिसाब से और ये बाज़ार खुलने के बाद एन के ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस आता है उसी पे नज़रिया जो है वो आगे बनेगा तो बिल्कुल अपना काम स्पष्ट है बाज़ार जिधर जाए उधर अवसर तलाशना है और काम करना है बात ख़त्म एक ही चीज़ हमें क्या मतलब है बाजार गिरे या बढ़े जो होगा सर उधर ही दौड़ेंगे उधर ही खरीदेंगे और उधर ही बेचेंगे चलिए अब थ्योरी पे आके आज का अब देखिए मैं ज़्यादा लंबा लंबा क्लास नहीं रिकॉर्ड करूँगा मेरी कोशिश अब रहेगी छोटा छोटा धीरे धीरे करके मैं मेरी कोशिश है दस मिनट के वॉल्यूम पे आने का ताकि इन सब बातों की चर्चा बहुत हो चुकी है आप लोग को पिछला वॉल्यूम सबको देखना ही पड़ेगा अगर आपने अभी तक ग्रो में अकाउंट नहीं खोला है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्सन में है बिल्कुल जाके खोलिए सही पूछिए तो बहुत आसान हो गया है कहानी यहाँ पे बहुत आसान हो गया है और आसान मैं इस तरह से समझ रहा हूँ जो लोग को थोड़ा भी जानकारी नहीं था शेयर मार्केट में सर वो लोग कमाने लगे हैं कम बड़ी बात है यहाँ से लगता है कि वाकई मैं जो बता रहा हूँ और जो लोग भले बीस लोग ही हैं मानता हूँ बीस ही लोग अगर जड़ से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं भले एक दिन में कोई एक ही हज़ार कमा रहे हैं सर एक हज़ार लगा रहे हैं तो दो हज़ार कमाना कहाँ से संभव है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोग संयम के साथ इस चीज़ को सीख रहे हैं तो घबराना नहीं है ये नहीं कि वॉल्यूम ट्वेंटी देखे अब पैसा लगाना चालू कर दिए ये गलती कभी मत कीजिएगा हमेशा मैं बता रहा हूँ लर्निंग पे बल दीजिए दि, ये तलवार की धार की कहानी है तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से बोल रहा हूँ बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ग्रो में जाके डीमेट अकाउंट खोलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है नमस्कार